हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किल लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें बैटरी नहीं है, तो इसका बैटरी खरीदने जाऊँ तो 700-800 रुपये दाम है इसका। तो यहाँ पर मैं आज उतना खर्चा नहीं करूँगा, ये मेरा सेकंड फ़ोन है, इसलिए मैं इसके साथ दो कीपैड फ़ोन की बैटरी लगाकर इसको चालू करके दिखाऊंगा। तो ये आपका भी काम आ सकता है, आपके पास भी कोई फ़ोन पड़ा हुआ है तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये है इसका ओरिजिनल जो बैटरी था उसका मदरबोर्ड। तो ये बोर्ड प्रोटेक्शन ऑफर करती है इसके अंदर, तो ये दोनों पॉइंट है लिथियम सेल्क से कनेक्टेड रहती है और बाकी चार पॉइंट इससे निकलती है। तो ये चार पॉइंट मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है जो फ़ोन की मदरबोर्ड है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफर करती है। तो इस तरीके से मदरबोर्ड के साथ जम्पार करके आप कोई भी लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट की बैटरी से फ़ोन को चला सकते हैं, तो वो कोई भी बैटरी हो चलेगा फ़ोन। तो इस तरीके से भी आप लोग चला सकते हैं, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। हम लोग इसका जो बैटरी की बोर्ड है इसको केयरफुली एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि इसको हैक किया जा सकता है या नहीं, मतलब कि इस बोर्ड के बिना भी फ़ोन को चलाया जा सकता है या नहीं, यही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो चार पिन है इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, पैक पॉजिटिव, थर्मिस्टर, आईडी और पैक नेगेटिव। तो यहाँ पर ये लाल है पॉजिटिव, ये है थर्मिस्टर पिन, ये है आईडी पिन और ये है नेगेटिव पिन। तो इन चार में से हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये मैंने आईडी पिन में माइनस प्रूफ को लगाया और ये कंटिन्यूटी मोड में है। तो आप इसको यहाँ पर एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करो तो बीप देता है, देखिए ये वाला रजिस्टर, यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्टर है, ये नहीं दिख रहा है। और जो थर्मिस्टर पिन है वो भी एक रजिस्टर से कनेक्टेड है, वो एक थर्मिस्टर से कनेक्टेड होना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है। तो देखिए इस पॉइंट में है ये, और जो बैटरी का नेगेटिव आउटपुट पॉइंट है इससे वो दोनों रजिस्टर की दूसरा साइड कनेक्टेड है, देखिए ये इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि ये रजिस्टर जो है आईडी पिन और नेगेटिव के बीच लगा हुआ है और थर्मल पिन और नेगेटिव के बीच। तो इनका वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये थर्मिस्टर वाला का वैल्यू है 64 किलो ओम और जो आईडी पिन में है उसका वैल्यू देख लेते हैं और ये है 60 किलो ओम। तो क्या हम लोग ये दोनों रजिस्टर लगा के इस प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी के अंदर तो प्रोटेक्शन ऑलरेडी है ही। अब देखिए पॉजिटिव जो पिन है ये एक फ्यूज से जा रही है, ये एक फ्यूज है और उसके पीछे जो बैटरी के कनेक्शन पॉइंट है वो पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है फ्यूज के अंदर से। और दोस्तों नेगेटिव पॉइंट जो है बैटरी का जो नेगेटिव है मतलब सेल का, वो आउटपुट नेगेटिव के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये कहाँ से जा रही है ये देखेंगे, तो देखिए ये एक चिप में जा रही है, ये चिप है मॉस्फेट चिप और प्रोटेक्शन चिप आप बोल सकते हैं, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये चिप ऑफ कर देता मॉस्फेट को। तो ये वाला चिप है वो, इसका नाम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ही छोटा है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या समझा इससे। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ये है आपका बैटरी, तो इसका जो दो पॉइंट है ये चल गया पॉजिटिव पॉइंट एक फ्यूज के अंदर से और जो नेगेटिव पॉइंट है वो एक मॉस्फेट चिप के अंदर से गया, ये है मॉस्फेट चिप। और इसके बाद ये दोनों आउटपुट हो गया और जो आईडी पिन और थर्मल पिन मतलब थर्मिस्टर पिन, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों जस्ट आके एक रजिस्टर से माइनस में कनेक्टेड है। ओके, तो इनको हम लोग बाईपास करने के ट्राई करेंगे। तो ये 60 किलो ओम के आसपास की कोई रजिस्टर हमें चाहिए, 68 लगा सकते हैं और मेरे पास जो सबसे करीब वैल्यू है वो 47 के है, तो इससे भी शायद काम करेगा, हम लोग लगा कर देखेंगे। तो दो रजिस्टर ले लेते हैं और इनको हम लोग इस बोर्ड में लगाएंगे, तो प्रोबेबली मदरबोर्ड सोचेगा कि ये बैटरी के बोर्ड के साथ ही कनेक्टेड है, तो देखेंगे ये काम करता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर तीन जम्पर पॉइंट मिल जाता है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है और ये दोनों है आईडी और थर्मल पिन। तो ये कौन सा क्या है वो देखने के लिए हमें इस बोर्ड में देखना पड़ेगा, ये जो बैटरी का बोर्ड है। यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव के बगल वाला पिन वो है आईडी पिन और पॉजिटिव के बगल वाला पिन है थर्मिस्टर पिन, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, पॉजिटिव के बगल वाला थर्मिस्टर पिन होगा और बाकी ये है आईडी पिन। अब यहाँ पर हम लोग दो रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव जो है इस पॉइंट से मिल सकता है, ये बॉडी होता है मतलब फ़ोन की बॉडी में कहीं भी नेगेटिव मिल सकता है हमें। ओके, तो चलिए इन दोनों रजिस्टर को इन दोनों पिन में लगा लेते हैं, आईडी और थर्मिस्टर पिन में। तो ये दोनों पिन करता क्या है, थर्मिस्टर बेसिकली आपका जो बैटरी का हीट है उसको मॉनिटर करता है। तो मैंने कई बैटरी में देखा कि थर्मिस्टर एक्चुअल में नहीं लगाया गया है, उसके अलावा कोई रजिस्टर देके उसको बाईपास कर दिया जाता है, तो वो थर्मल प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करता है, अगर बैटरी हीट हो जाए तो भी थर्मल प्रोटेक्शन नहीं देगा। और जो आईडी पिन है वो बैटरी का आइडेंटिटी होता है कि कौन सी बैटरी लगाया गया है, और इनको सोल्डरिंग करने के लिए आपको काफ़ी बारीकी सोल्डरिंग आना चाहिए, तो ये आप मेक श्योर होके ही करना, और एक बहुत ही पतला सोल्डरिंग आयरन हो तो बेहतर होगा। तो देखिए मैंने दोनों रजिस्टर को लगा दिया, ये आपस में टच नहीं हुआ। अब चलिए इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगाकर देखते हैं। तो ऐसे आप कोई भी लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, मैंने बता ही दिया।
तो चलिए इसका पॉजिटिव लगा दिया और नेगेटिव भी यहाँ पर लगा देता हूँ। अब हमें चेक करना है कि ये सच में वर्क करता है या नहीं। तो चलिए इसका जो पावर बटन है उसको शॉर्ट करते हैं और देखिए वाइब्रेशन आ गया, मतलब कि ये फ़ोन चालू होने वाला है। ये देखिए चालू हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉब्ली काम कर रहा है। अब देखिए इसको ऑन कर दिया, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर वो रजिस्टर में गलती होती तो ओवरहीटिंग या कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता बैटरी में, जो थर्मिस्टर पिन के वजह से वो आता है। अब देखिए मैंने दोनों बैटरी के साथ इसको बहुत अच्छा तरीके से फिटिंग कर दिया। अब ये जो है 3000 mAh ऑफर कर रहा है, मतलब कि दोनों 1500-1500 के है, तो ये 3000 mAh बैटरी के जैसा ही काम करेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टेप मारेंगे क्योंकि यहाँ पर बॉडी में ये लग सकता है कनेक्शन वगैरह जहाँ पर हमने लगाया, और यहाँ पर बाकी दो जगह पर भी टेप लगाना होगा जहाँ पर बैटरी के साथ ये दोनों कनेक्ट किया। यहाँ पर मैंने दो बैटरी को पैरेलल किया, मतलब कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, ये आपको पता ही होगा। तो ऐसे कनेक्ट करने के समय आप ध्यान रखें दोनों बैटरी में चार्ज लगभग सेम हो, एक फुल डिस्चार्ज और एक फुल चार्ज है, तो दोनों को एक साथ लगा देंगे तो काफ़ी हाई करंट जाने वाली है और दोनों ही बैटरी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए दोनों ही बैटरी को थोड़ा बहुत चार्ज करके लगभग सेम वोल्टेज जब आ जाए तब कनेक्ट करना है एक साथ में। बस इस तरीके से हम लोग कीपैड की बैटरी से एंड्रॉयड फ़ोन चला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, ये आइडिया भी आपको पसंद आया, और इस तरह से आप कोई भी जगह पर बैटरी की जो आईडी पिन और थर्मल पिन इन दोनों को हैक कर सकते हैं। तो देखिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहेगा कि इसका बैक पैनल नहीं लगेगा इसमें, और जो ऊपर की ये वाला प्लेट है इसको लगा देते हैं, बैक पैनल नहीं लगेगा वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा सेकेंड फ़ोन है ये, तो इसमें डायरेक्टली बैक कवर चढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इस तरह से आप तो यूज कर सकते हैं सिंगल बैटरी से भी, लेकिन सिंगल बैटरी से एक और प्रॉब्लम है क्योंकि इस फोन को पता नहीं चल रहा आपने क्या बैटरी लगाया। तो ये जो है अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो बैटरी में हाई एम्पियर भेजेगा क्योंकि इसको पता नहीं आपने क्या बैटरी लगाया, और ये जो सिंगल सेल बैटरी है ये उतना हाई एम्पियर नहीं ले पाता है, लगभग 2 एम्पियर तक तो ले लेगा, उससे ज़्यादा अगर भेजता है फ़ोन तो नहीं लेगा। अगर आपका फ़ोन QC3 QC2 ये सब सपोर्ट करता है, मतलब कि 9 वोल्ट 12 वोल्ट की चार्जिंग, और वो हाई एम्पियर में कन्वर्ट करके भेजता है बैटरी में, तब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दो बैटरी लगाना अच्छा रहेगा, इसमें बैकअप भी अच्छा मिलेगा और बैटरी भी आपका अच्छा चलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो और आइडिया कैसा लगा कौन सा बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।